दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनसी केबल के बारे में। बीएनसी कनेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं सीसीटीवी के लिए, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बीएनसी कनेक्टर्स बना पाएंगे, जो लोग कैमरा फील्ड में नहीं है, सीसीटीवी वगैरह नहीं लगाते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि बीएनसी केबल कैसे बनाते हैं। बीएनसी केबल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहले आइए मैं आपको वो चीज़ें, वो डिवाइसेस बता देता हूँ। ये जी चार आइटम हमें लगते हैं, जिसमें से आप पहला देख रहे हैं, ये तो कटर है जिससे हम वायर काटते हैं, इसको ड्राइवर है, ये स्ट्रिपर है, और ये इसको ड्राइवर है, इससे हम बीएनसी की वायर को टाइट करते हैं। और साथ में मेरे पास एक प्लायर है, नोज प्लायर। ये से क्या होता है कि ये प्लायर से हम अपने बीएनसी के जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को हम थोड़ा लूज करते हैं, जिसके अंदर हम आसानी से वायर को रख सकें। पहले मैं तीन टाइप की बीएनसी आपको बता देता हूँ। एक पहली जो बीएनसी आप देख रहे हो, ये बीएनसी स्क्रू वाली है, जो कि मैं बोलता हूँ मोस्ट ऑफ मत ज़्यादा यूज़ किया करिए। इसमें प्लस और माइनस निशान दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अपने जो आर टी फोर केबल, यानी एक कॉक्सियल और चार केबल होती है, वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस के अंदर आप जो कॉक्सियल केबल है उसकी लीड को आप डालिए, और जो शील्ड है उसकी वो माइनस के अंदर आप डालिए। और दूसरी जो मेरे पास है वो वायर्ड वाली, तो वायर्ड वाले में भी सेम रेड में आप अपने कॉक्सियल केबल की लीड से को ज्वाइन कीजिए और वाइट वाले में शील्ड को। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बीएनसी के ऊपर, ये बीएनसी में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो बीएनसी में कनेक्ट करने के लिए मैं आज आपको दो वायर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें से मैं करूंगा RJ59 के ऊपर कनेक्ट करूंगा। ये जो काली वाली वायर है ये RJ59 है। तो इससे पहले मैं करने से पहले इसको कट करता हूँ, और कट करने के बाद दोस्तों इसे कनेक्शन करूंगा। और ये पूरा ये पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो लोग इस फील्ड में नहीं वो भी बीएनसी केबल आराम से बना पाएंगे। देखिए, मैंने वायर को कट कर लिया, और कट करने के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा छीलूंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कट करूंगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आधे एक एक इंच हमारे लिए काफ़ी होता है बीएनसी बनाने के लिए। लेकिन मैं जो नए हैं उनके लिए 2 इंच इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको शील्ड वगैरह अलग करने में और बाकी चीज़ें उसके ऊपर रैप वगैरह होता साफ करने में ईजी हो जाए। जब हाथ बैठ जाए तो आप भी 1 इंच के अंदर वो काम कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये कि आपको शील्ड भी थोड़ी लंबी मिल जाती है। तो कट करने के बाद मैंने ऊपर कवर निकाल दिया, और उसके बाद जो शील्ड है उसको मैं अलग करके अच्छे से उसको मैं ट्विस्ट कर लूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से ट्विस्ट कर रहा हूँ केबल को, इस तरह से मैं उसको ट्विस्ट कर लूँगा। और ट्विस्ट करने के बाद दोस्तों, जो उसके ऊपर आप शील्ड देख रहे हैं रैप, वो रैप को मैं अभी साफ करूँगा। तो साफ करने के बाद मैं आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ। अभी देखिए, मैं जैसे भी ये रैप को साफ कर चुका हूँ और आगे का जो शील्ड था वो काट दिया। रैप साफ करने का जो व्हाइट वाला आपको स्लीव मिल रहा है वो रहना चाहिए, और व्हाइट वाले स्लीव में जरा भी रैप का कोई चीज़ नहीं लगना चाहिए, उससे क्या होता है शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बीएनसी के साथ। तो अब मैंने पूरी तरह साफ कर लिया है, और शील्ड को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। जितनी अब मुझे शील्ड की ज़रूरत है उतनी शील्ड मैं रखूंगा, बाकी मैं काट दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ स्किल थोड़ा सा लंबा रखा है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि अभी जो मैं बीएनसी यूज़ कर रहा हूँ वो बीएनसी में मुझे कितने इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे इसको देखने के लिए, आप जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप बीएनसी को खोल के एक बार देख लीजिए। हम लोगों को एक अंदाजा होता है, लेकिन ये मैं जो लोग नए हैं उनको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा टाइम लूंगा। अब उसकी शील्ड को मैंने देखने के बाद उसके हिसाब से कट कर लिया, और कट करने के बाद में आप देख रहे हो कि मैंने नोज प्लायर लिया है, और नोज प्लायर से जो बैक हैंड है जहाँ पे मैं शील्ड को लगाने शील्ड को रखने वाला हूँ उसको, वो हिस्सा मैं फेड कर रहा हूँ। जो जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका बॉडी के साथ एक निकला होता है राउंडेबल, और एक अंदर लीड के जैसा होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी लीड को डालते हैं, कॉक्सियल केबल की लीड को डालते हैं। अब जैसे ही मैं इसको फैला दूंगा, फैलाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, फैलाने के बाद इसके अंदर मैं अपने वायर को डालूंगा। अब आप देख सकते हैं, तो वो पहले मैं अच्छे से जो मेरा उसके पास स्क्रू है मैं उस स्क्रू को खोल रहा हूँ। स्क्रू खुलने के बाद दोस्तों, मैं अब इसके अंदर अपनी जो लीड जो जो स्क्रू खोल रहा हूँ उसकी उसके अंदर मेरा लीड जाएगा, केबल की लीड जाएगी, और जो शील्ड है उसको मैं अच्छे से
रैप कर लेता हूँ, जो ऊपर का एक्स्ट्रा हिस्सा है वो काट लिया मैंने, उसको मैंने रैप कर लिया, और रैप करके जो व्हाइट वाला मेरा स्लू है उसके नीचे रखूंगा, ताकि लीड और स्लू ये शील्ड आपस में कनेक्ट ना हो। और उसको करने के बाद मैं जो मेरा ऊपर कवर है बीएनसी का, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसका डालने से बेनिफिट दोस्तों ये है कि अगर आप डायरेक्ट टेप मारोगे तो खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसको रखने के बाद वो अंदर का वायर सेफ हो जाता है। अब लीड को मैंने जो मेरा अंदर का हिस्सा था राउंडेड बॉल वाला लीड जैसा, उसके अंदर मैंने वायर डाल दिया। अब उसे मैं स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद दोस्तों अब बैग जिस जहां पे मैंने लीड रखा, जो आपने बाहर खुला हुआ हिस्सा जिसको मैंने और फैला के खुला था, अब उसे टाइट करूंगा। और इसे टाइट करने के बाद फिर मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरा लीड का हिस्सा और जो मैंने जिसमें मैंने शील्ड लगाया है वो दोनों हिस्सा आपस में टच तो नहीं हो रहा है। आप भी गौर देखिए कि दोनों में अगर टच हो रहा है या कोई भी एक शील्ड बाहर निकली हुई है तो आपकी व्यूइंग में प्रॉब्लम आएगा, इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा आप। ये होने के बाद मैं जो मेरा शील्ड का हिस्सा सिर्फ उतने हिस्से में ही टेप मारूंगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं, पूरे इसमें टेप मारते हैं। उससे दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके अंदर से जो ग्लू निकलता है वो ग्लू की वजह से अगर आपकी वायर लो क्वालिटी की वायर है तो वो वायर के अंदर मिट्टी जैसा मतलब हो जाती, बदार्थ निकलता है जंग टाइप में, तो क्या करेगा कि पूरी तरह से उसके अंदर फैलेगा और आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा व्यूइंग के लिए। अभी मेरा ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, इस तरह से पूरा आपको बीएनसी बनाना है। दोस्तों मैंने 3 टाइम की बीएनसी का बता दिया है आपको, उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपने बीएनसी कनेक्टर को कैसा बनाना है वो सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूं। दोस्तों अगर आपको हमसे चीजें अगर खरीदनी है या मंगवाना है तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मुंबई के अंदर है तो खुद ही हम सेल्फ ला के दे देंगे, मुंबई के बाहर है तो आपको कुरियर करवा देंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।